हाय फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। और इस ब्लॉग के अंदर मैं एसपीआर से और इवन क्लोवरली फ्लाईओवर से कॉन्शियन तक का ब्लॉग कवर करूंगा। तो राइट साइड में आप देख सकते हो मैं एसपीआर पे हूँ और राइट साइड में मेरे अमेरिकन एक्सप्रेस का कैंपस चल रहा है जो ऑपरेशनल हो चुका है, और उसके बाद एसपीआर का यूनो कायाकल्प हो जाएगा। और अभी यहाँ से यू नो बिल्कुल एनएचए हार्डली यू नो क्लोवर लीफ से द्वारका एक्सप्रेस यू नो स्टार्ट हो जाता है तो, और लेफ्ट में आपका एनएचए चला जाता है। तो आप देख सकते हो सामने, अगर आप देखोगे यहाँ से जयपुर 233 किलोमीटर रह जाता है, राजीव चौक राइट साइड में है और द्वारका स्ट्रेट है, द्वारका एक्सप्रेसवे। और आप देख सकते हो ये जो है सेक्टर 88 से लेफ्ट में स्ट्रेट है, फिर 92 से 95 लेफ्ट में न्यू गुड़गांव आ जाता है और आईजी एयरपोर्ट यहाँ से हार्ड यू नो 10 to 15 मिनट्स के डिस्टेंस पे रह जाता है। और राइट साइड में कॉर्पोरेट ग्रीन्स आ जाता है डीएलएफ का पार्क। तो अभी हम जस्ट वी आर अबाउट टू रीच टू यू नो क्लोवरलीफ फ्लाईओवर और यहाँ से हम व्लॉग बना रहे हैं कॉन्शियन वन मॉल का, तो सेक्टर 109 का, तो दैट यू कैन हैव ए लिटिल बिट अपडेट्स अबाउट एट प्रेजेंट जो द्वारका एक्सप्रेस जो 9000 करोड़ का मैसिव डेवलपमेंट दिया है, बनाया है गवर्नमेंट ने, उसका नाइट व्यू एग्जैक्टली यू नो किस टाइप से आता है और कितना ड्राइविंग डिस्टेंस आपका कम रह गया है जो एक टाइम पे बहुत ज्यादा हुआ करता था। तो यू विल कम टू नो लाइक द नेक्स्ट 10 to 12 minutes or 15 minutes विल रीच देयर। और बिकॉज ऑफ दिस यू नो एक्सप्रेस वे बड़ी जबरदस्त कनेक्टिविटी हो चुकी है आईजीआई से, द्वारका से, ऑल राइट, और जो भी यू नो जाम लगता था एनएचएट पे उसका ये बाईपास रूट बना है। बिकॉज ऑफ दैट यू नो lot of time has saved, lot of you know petrol has saved and lot of socio economic benefits is going to have. Or apart from that, यहाँ से जो आपका global city है वो hardly you know 3 to 4 minutes के distance पे जो 1000 acres के अंदर बन रही है। Plus ये जो road है इसको हम CPR बोलते हैं, central periphery road, जिसपे अभी हम चल रहे हैं, और ये आपका द्वारका express पे भी connect होता है, फिर new गुड़गांव चला जाता है via underpass। और आप देखोगे सामने तो द्वारका जा रहा है सेक्टर 88, 92, 95, 99, 114, वो सारी चीजें जा रही हैं। और पहले एक्चुअली यू नो द्वारका एक्सप्रेस वे तो था वो स्ट्रेट जाना था, बट बाद में इस तरफ आया है, इस तरफ सीपीआर की तरफ वो बाद में प्रपोज हुआ है। और राइट बिकॉज ऑफ दैट वो थोड़ा सा एरिया यू नो थोड़ा नेगलेक्ट हो गया, बट लेफ्ट साइड में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ISBTB प्रपोज है और मैसिव ग्रीन एरिया भी प्रपोज है यहाँ पे। और प्लस यहाँ पे जो सीपी से जो आपकी यू नो एयर टैक्सी है वो भी यहाँ पे, उसका भी काइंड ऑफ हेलीपैड यहाँ पे प्रपोज्ड है। और राइट साइड में अगर आप देखोगे तो हमारा सेक्टर 36A आने वाला है, तो आप राइट साइड में देखोगे तो अभी कृषुमी के अपार्टमेंट्स आ जाते हैं ये, जिसका पोजेशन यू नो विद इन 2 to 3 months आने वाला है। इनका फर्स्ट प्रोजेक्ट था फेज वन का जो काफी मैसिव हिट रहा था, और राइट और अच्छा खासा एप्रिसिएशन हो गया है, ऑलमोस्ट डबल रेट हो गए हैं। और यहाँ पे इसके बाद इनका नेक्स्ट फेज भी आया हुआ है, तो स्टूडियो ऑलमोस्ट सोल्ड आउट हो चुके हैं इनके, जो 2 करोड़ के आसपास की इन्वेस्टमेंट थी। प्लस यहाँ पे अगर आप इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से चाहते हो तो 3 and 4, 3 BHK और 2 BHK के कुछ लिमिटेड ऑप्शंस आपको मिल सकते हैं, प्लस स्टूडियो की हार्डली कुछ इन्वेंट्रीज मिल सकती है। तो 2 to 6 करोड़ के आसपास का टिकट साइज आपको यहाँ पे मिल सकता है। लेफ्ट में अगर आप देखोगे तो अभी यहाँ पे ऐलान मिराकल मॉल है सेक्टर 84 के अंदर, और उसके ठीक बिल्कुल एडजेसेंट में भी नया लॉन्च आ रहा है किसका, भले वो है सिग्नेचर ग्लोबल का 84 मिक्स लैंड यूज डेवलपमेंट है लगभग 5.5-6 एकड़ के अंदर, और वो भी काफी सही प्रोजेक्ट आया, नीचे कमर्शियल है ऊपर रेजिडेंशियल है। और ठीक इसके भी लोग बिल्कुल अपोजिट सेक्टर है 88 जो कि प्योरली कमर्शियल है, और कमर्शियल के बिल्कुल एडजेसेंट है सेक्टर 89 जहां पे भी नया लॉन्च आ रहा है, कौन सा, गोदरेज का जेनिथ आपने सुना होगा जो मैसिव यू नो हिट रहा था कुछ महीने पहले, वहीं पे अभी एक और टावर आ रहा है वो आ रहा है किसका, स्टूडियो का। अगर आप छोटी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो 1.5 करोड़ के आसपास तो वो आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन यू नो हो सकता है एज ऑन डेट, ओके। और ये आप देख सकते हो लेफ्ट में हमारे ऐलान मिराकल मॉल चल रहा है, और ये आपका थ्रम्पेट फ्लाईओवर है यू कैन सी हियर, और ये आपको कनेक्ट करता है द्वारका एक्सप्रेस वे को न्यू गुड़गांव से, ऑलराइट, एंड इट इज ऑल्सो वन ऑफ द आर्किटेक्ट मार्वल। और राइट साइड में हमारा चल रहा है सेक्टर 36A जहां पे अभी एक तो मैंने आपको बताया कृषुमी का लॉन्च आया था, फिर दूसरा मैंने आपको बता दिया सिग्नेचर ग्लोबल, तीसरा मैंने लॉन्च बता दिया आपका गोदरेज जेनिथ, चौथा लॉन्च अगर मैं बात करूं तो इसके बिल्कुल एडजेसेंट लैंड है मैक्स का। तो अभी इनिशियल फेज वन में 11 एकड़ के अंदर अपना नया फेज लेके आया, उसका रेरा वगैरह आ चुका है, तो
6 टावर लेके आ रहे हैं वो, और काफी अच्छा लेआउट से उनका, काफी स्पेशियस लेआउट है। इससे पहले उन्होंने नोएडा में स्टेट 128 लॉन्च किया था, मैसिव हिट रहा था, उसके बाद यहाँ पे भी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है उनको इनिशियल लेवल पे। ओके, और ये भी बहुत ही जल्दी यू नो प्रोजेक्ट सोल्ड आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 टावर्स लेके आ रहे हैं वो नॉर्मल टावर है, और 2 टावर लेके आ रहे हैं वो जो सीनियर सिटीजन के लिए। तो उनका इस टाइप का कॉन्सेप्ट देहरादून के अंदर भी था, तो उसके बाद यहाँ पे भी वो कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं। तो वो प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट यू नो सोल्ड आउट है। जो 4 टावर्स है उसके अंदर आपको कुछ इन्वेंटरीज यहाँ पे मिल सकते हैं। अगर आप उस प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड है तो आप टाइप कर सकते हैं #max36A और आप उसको भेज सकते हैं 885-8484-084 पे। तो ये हो गया 4th लॉन्च। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ तो लेफ्ट में जो सेक्टर 88 कमर्शियल चल रहे हैं हमारे, ओके, तो यहाँ पे एक और लॉन्च है, वो है कमर्शियल का, AIPL का। तो AIPL वन ऑफ द यू नो बेस्ट बिल्डर है इन कमर्शियल सेगमेंट। तो अगर आप कमर्शियल प्रॉपर्टी देख रहे हो तो इनके ऑलरेडी गोल्फ कोर्स और एक्सटेंशन पे काफी प्रोजेक्ट है, और काफी अच्छी लीजिंग भी करते हैं, जो एक यू नो कमर्शियल के अंदर लोगों को प्रॉब्लम होती है कि यार प्रोजेक्ट तो ठीक है, लीजिंग नहीं हो पा रही, तो उनका वो एक स्ट्रॉन्ग होल्ड है। तो उसके लिए आप उस प्रोजेक्ट को कंसिडर कर सकते हो। 1 करोड़ से लेकर 6-10 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट आ जाती है। राइट साइड वाला जो एरिया है अभी चल रहा है, यहाँ पे ग्लोबल सिटी प्लान है, ओके, HSIIDC उसको डेवलप कर रहा है। ओके, तो आपका फॉर एग्जाम्पल अगर आपने बुर्ज खलीफा देखा होगा तो दुबई का जो बिजनेस बे है उसके अंदर है। तो सिमिलर कॉन्सेप्ट पे यहाँ पे HSIIDC भी बिजनेस बे काइंड ऑफ थिंग डेवलप कर रही है। यहाँ पे FAR ज्यादा होगा, बहुत ए ग्रेड के यू नो कॉन्ट्रैक्टर्स आएंगे फ्यूचर में। ओके, तो उस टाइप का डेवलपमेंट आ रहा है। तो ये लेफ्ट में अगर आप देखोगे ना, ये जो रोड जा रहा है ये आपका जा रहा है NH8, नया NH8 बन रहा है, जयपुर एक्सप्रेस वे 88A और 88B का जो डिवाइडिंग रोड है वो है। और इस पे हमारे पास यहाँ से लगभग 4-4.5 किलोमीटर पे कुछ फार्म हाउसेज भी अवेलेबल है, 6 करोड़ के आसपास का एकड़ पर एकड़ लैंड का रेट है। ऑलराइट, और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ राइट साइड में जो है हमारा 37D चल रहा है अभी सेक्टर, तो यहाँ पे भी यू नो 2 प्रोजेक्ट प्लान है। तो एक तो प्लान है आपका MVN, एक बिल्डर है जो वैसे ओवरऑल MVN ग्रुप इन एजुकेशनल सेगमेंट 40 साल पुराना डेवलपर है, तो उनके ही यहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, कमर्शियल प्लस यू नो मॉल लेके आ रहे हैं। तो द्वारका एक्सप्रेस वे पे इससे पहले कोई मॉल नहीं था, तो वो मॉल पहला आ सकता है, प्लस कुछ उनके बहुत ही यूनिक रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट भी आ रहा है। ऑलराइट, उसके अलावा 37D के अंदर आपका BPTP का भी एक प्रोजेक्ट है। फिर लेफ्ट साइड में अगर आप देखोगे तो 99 सेक्टर आता है, जहाँ पे आपको परीना वगैरह का यू नो बोर्ड दिख रहा है, एसोटेक ब्रिंक दिख जाएगा। तो ये जो सेक्टर है ये है आपका प्लॉट वाला सेक्टर। तो यहाँ पे प्लॉट्स के आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं। ओके, यहाँ पे आप देखोगे सिग्नेचर ग्लोबल का एक आइकॉनिक टावर भी आना है यहाँ पे 37D के अंदर ही। तो मैं बताता हूँ यहाँ पे आपको प्लॉटेड डेवलपमेंट मिल जाएंगे। तो यहाँ पे G99 के प्लॉट्स हैं, फिर आपके प्लॉट्स हैं यहाँ पे स्पीति के, BST के, सत्यामेरानो ग्रीन्स के, और जो एवरेज रेट चल रहा है वो लगभग 1,45,000 से 50,000 रुपए के आसपास, 55,000 रुपए के आसपास चल रहा है जोन सितंबर 2024। फ्यूचर में हो सकता है आप वीडियो देखो तो उस टाइम पे रेट्स इंक्रीज हो चुके होंगे। और इसके अलावा इस सेक्टर के बाद आ जाता है राइट साइड में आपका सेक्टर 104। तो वहां पे सेंट्रल पार्क का भी अभी एक नया लॉन्च आने वाला है, M2K के प्लॉटेड डेवलपमेंट्स हैं। फिर एक और प्रोजेक्ट आ रहा है, नया लॉन्च आ रहा है 104 सेक्टर के अंदर ही, वो आ रहा है सत्या का। ठीक है, तो ये लेटेस्ट अपडेट है, कोई बहुत ही कम लोगों को पता होगा मार्केट में। तो सत्या का भी अभी एक लॉन्च आ रहा है, तो इससे पहले सत्या ने हर्मिटेज लॉन्च करके डिलीवर करा हुआ है 103 सेक्टर में। फिर सत्या का हाइव्स है जो कमर्शियल ऑलरेडी ऑपरेशनल है, जहाँ पे हल्दीराम वगैरह सारे के सारे ब्रांड है, इसके बिल्कुल ठीक अपोजिट। तो उसके बाद यहाँ पे सत्या का प्रोजेक्ट आ रहा है और ठीक वैल्यू फॉर मनी प्रपोजिशन के अंदर वो आ रहा है। उसके बारे में भी ज्यादा जानना चाहते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं, जैसे ही प्रोजेक्ट लॉन्च होगा विल बी एबल टू यू नो कॉन्टेक्ट यू फॉर दैट ऑल्सो। इसके बाद लेफ्ट साइड में जो है 99 सेक्टर अभी चल रहा है मेरे, तो ओकस मेडली वगैरह देखोगे तो ये रेडी टू मूव इन ऑपरेशनल ऑफिस स्पेस है यहाँ पे। ओके, बीकानेर वगैरह इसमें ऑपरेशनल हो चुका है ऑलरेडी। ठीक है, तो यहाँ से आप देखोगे तो स्ट्रेट हम जाएंगे तो सेक्टर 111 से 114 नजफगढ़ यशो भूमि IJ एयरपोर्ट वगैरह, यहाँ से हार्डली नो 10 मिनट्स के यू नो ड्राइविंग डिस्टेंस पे सारी चीजें लगभग आ जाती है आपकी। तो इसके अलावा अगर मैं बात करूं यहाँ पे जो और एक हॉट लॉन्च है, तो 99 के बाद सेक्टर 102 आ जाते हैं, तो यहाँ पे भी BPDB का लैंड पार्सल है अच्छा खासा। प्लस यहाँ पे एक चीज और बता देता हूँ, जैसे ओकस मेडली अंदर है ना यहाँ पे, तो इसके बैक साइड में एक और प्रोजेक्ट है सत्या हाइट्स, तो वहां पे अभी स्टूडियो आ रहे हैं। तो अगर आप थोड़ा
1.5-1.25 करोड़ के आसपास का टिकट सही देख रहे हैं, 1.5 करोड़ के आसपास का। तो वहां पे आपको रेडी टू मूव इन स्टूडियो मिल सकते हैं, प्लस वहां पे आपको अगर प्री लीज प्रॉपर्टी देख रहे हैं आप, ये तो कुछ अच्छे ब्रांड्स हैं, वहां पे आपको प्री लीज प्रॉपर्टी भी मिल सकते हैं। लाइक हल्दीराम ऑलरेडी ऑपरेशनल है वहां पे, विशाल मेगा मार्ट ऑपरेशनल है, स्टूडियो ऑपरेशनल है, इसके अलावा पिज्जा विंग्स है वो ऑपरेशनल है, तो उसके अंदर भी प्री लीज ऑप्शन मिल सकते हैं आपको लगभग 50 लाख रुपए से लेकर 5 करोड़ रुपए, इवन 10 करोड़ तक का टिकट साइज आपके पास वहां पे अवेलेबिलिटी हो सकती है। फिर जो राइट साइड में मैंने 104 सेक्टर चल रहा है उसका मैंने आपको बता दिया, लेफ्ट साइड में 102 सेक्टर चल रहा है जॉय विले। ओके, जॉय विले अगर आप देख सकते हो, अडानी वस्त्र ब्रांड है यहाँ पे। तो यहाँ पे अभी इसके बाद आ जाता है सेक्टर 103, तो वहां पे अभी ऑलरेडी कुछ टाइम पहले सत्य गोदरेज का प्रोजेक्ट आया था वृक्ष, ठीक है, तो उसका काफी अच्छा रिस्पॉन्स आया था, बट उसमें भी कुछ बड़े साइजेस आपको मिल सकते हैं 4 बेडरूम के, और 3 बेडरूम में बहुत लिमिटेड इन्वेंट्रीज मिल सकते हैं, छोटे साइज भी बहुत लिमिटेड मिलेंगे आपको, ठीक है। इसके अलावा 103 में ही 2 प्रोजेक्ट और हैं, लाइक एक वाइट लैंड है जो बड़ी हॉट चल रहा है मार्केट में, जिसने वेस्टिन के साथ एसोसिएशन करी है, जिसकी हॉस्पिटैलिटी पार्टनर आप कह सकते हो। वेस्टिन है जो आपका 94-year-old ब्रांड है। इसके अलावा मैरियट इंटरनेशनल, उसका कोलैबोरेशन उनके साथ, तो इन टर्म्स लगभग 97 years बोल्ड ब्रांड है और वो उनका हॉस्पिटैलिटी पार्टनर है। बिकॉज ऑफ दैट ये एक USP है और ब्रांडेड रेजिडेंसीज काइंड ऑफ थिंग है। तो आपको 5-star फैसिलिटी चाहिए, 2 लाख स्क्वेयर फीट का क्लब चाहिए, तो दिस कुड बी वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन ऑन द्वारका एक्सप्रेस वे एज ऑन डेट। तो उसके लिए आप टाइप कर सकते हैं #WL103, आप उसको भेज सकते हो 8858484084 पे। तीसरा प्रोजेक्ट जो बहुत कम लोगों को पता है जो 103 सेक्टर में आ रहा है, वो है लैंडमार्क का, ठीक है। तो लैंडमार्क का अवाना प्रोजेक्ट है सेक्टर 95 के अंदर, लो राइज, और यहाँ पे उनका एक हाई राइज प्रोजेक्ट प्लान है, तो उसका भी साइट का काम चल रहा है, तो 1-2-3 महीने में वो भी प्रोजेक्ट का लॉन्च हो जाएगा। ओके, इसके अलावा 103 के अंदर अभी और कोई मेजर प्लान नहीं है लॉन्च। फिर 106 सेक्टर आ जाएगा हमारे लेफ्ट साइड में, जहाँ पे बहुत एक दिवाली के आसपास बहुत एक मैसिव डेवलपमेंट आ रहा है। वो क्या आ रहा है, एलान द प्रेसिडेंशियल, जिसका फेज 1 बड़ा जबरदस्त हिट रहा था, उसका फेज 2 आ रहा है, और उसकी अभी जो टेंटेटिव डिटेल्स हैं, बड़े साइजेस आएंगे इसमें, 4 and 5 BHK की कॉन्फ़िगरेशन आएगी, और लगभग 9.5-10 करोड़ के आसपास का टिकट साइज रहने वाला है। और यहाँ पे आप इमेजिन कर सकते हो बहुत ही कुछ ऐसी बहुत यूनिक चीज है वो लेके आ रहा है, फर्स्ट टाइम ऑन द्वारका एक्सप्रेस वे। जिस जैसे उसने पिछली बार आपने सारे कंपटीटर्स को बीट करा था, तो मे बी इस बार भी वो उस टाइप का ही कुछ करने का प्लान कर रहा है एट प्रेजेंट। तो वहां पे वो हालांकि बड़े साइज लेके आएंगे 4 and 5 BHK, रेट भी लगभग 22 से 25 हजार रुपए पर स्क्वायर फीट के आसपास का रहने वाला है। ऑलराइट, और इसके अलावा 106 सेक्टर के अंदर BPTP का भी कुछ लैंड पार्सल है प्राइम एरिया के अंदर, तो वो भी अपने लॉन्च की प्लानिंग कर रहा है, तो अभी उन्होंने बोर्ड्स वगैरह लगा दिए हैं, ठीक है। इसके अलावा 105 सेक्टर हमारे राइट साइड में चल रहा है, तो वहां पे भी एक बहुत अच्छा लॉन्च आ रहा है। अगर आप एक वैल्यू फॉर मनी प्रपोजिशन देख रहे हो, तो वहां पे ATS का प्रोजेक्ट आ रहा है, ATS होमक्राफ्ट। ओके, तो वो अगर आप देखोगे तो 13,000 का रेट है, प्लस इनॉग्रल डिस्काउंट के बाद वो अभी एट प्रेजेंट एज ऑन डेट, मे बी फ्यूचर में आप जब देख रहे होगे तो उस टाइम पे रेट वाइज हो चुका होगा, तो लगभग 11,000 रुपए, 11-11.5 हजार के आसपास चीज आती है, तो 2 करोड़ के अंदर वहाँ पे 3 BHK की कॉन्फ़िगरेशन आपको मिल जाती है, 1700-1800 स्क्वायर फीट का साइज है, तो वो अच्छा है, लोकेशन वैल्यू फॉर मनी है, बट हालांकि उसका थोड़ा सा लोकेशन दौलताबाद फ्लाईओवर वाला जो रोड है उस पे आ जाती है। तो उसके बाद अगर मैं बात करूंगा आपसे, तो लेफ्ट साइड में अगर आप देखोगे तो ये पारस का दिख रहा है आपको प्रोजेक्ट, ये रेडी टू मूव इन कंडीशन के अंदर प्रोजेक्ट है। ऑलराइट, और उसके बाद हमारा कॉन्शेंट आ जाता है लेफ्ट साइड में अगर आप देखोगे, तो उसके साथ में भी अभी अगर आप एक लीजिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें देख रहे हो, तो वहां पे भी आपको मिल सकती है, अभी 2 फ्लोर प्लेट हमारे पास अवेलेबल है। और इसके अलावा अगर आप खरीदने के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो, तो एक दो ऑप्शन और हमारे पास उसके बिल्कुल ठीक पास में ही, साथ में लेग नियो स्क्वेयर हो गया, उसका भी ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट आ चुका है। फिर इंडिया बुल्स का 109 प्रोजेक्ट है, उसका भी जो रिटेल पार्ट है उसका ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट आ चुका है, तो उसमें भी हमारे पास कुछ चीजें अवेलेबल है। ऑफिस स्पेस जो आपको, अगर आपको 1000 से 1500 स्क्वेयर फीट का एरिया चाहिए बाइंग के पॉइंट ऑफ व्यू से या लीजिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यू कैन ऑलवेज कॉन्टेक्ट अस ऑन गिवन दिस नंबर।
106 में अभी एक और हॉट लॉन्च चल रहा है मार्केट के अंदर, वो है शोभा का एल्टस, जहां पे मिक्स लैंड यूज डेवलपमेंट है, 3,000 और 4,000 स्क्वायर फीट के अप्रोक्सीमेटली साइजेस हैं, रेट 24-25,000 रुपए पर स्क्वायर फीट के आसपास का रेट है, और ब्रांड जो है वो शोभा वन ऑफ द यू नो बेस्ट है इन द इंडिया ऑल्सो इन द वर्ल्ड ऑल्सो, बैंगलोर बेस्ड ब्रांड है, तो इनके ऑलरेडी यहाँ पे शोभा के विलाज हैं, शोभा सिटी के अपार्टमेंट्स हैं, तो उसके बाद इनका यू नो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है इस बेल्ट के अंदर। हालांकि उन्होंने लैंड और भी एक्वायर करा हुआ है, सेक्टर 63A में भी रिसेंटली लैंड एक्वायर करा है, फिर सेक्टर 80 में कम्मा लैंड के साथ भी एक जॉइंट वेंचर के अंदर प्रोजेक्ट लेके आया है। ये लेफ्ट में आप देखोगे तो यहाँ पे बीपीडीबी के आपको 106 सेक्टर के अंदर यू नो बोर्ड नजर आ जाएंगे। इसके ठीक साइड में एडजेसेंट है जो लोकेशन है आपकी, आगे की तरफ एलान द मार्क है और पीछे की तरफ आपका प्रेजिडेंशियल है, तो टोटल इनके पास लगभग 39-40 एकड़ के आसपास का लैंड बैंक था। ऑलराइट, ये हमारा कॉन्शेंट आ गया है अभी यहाँ पे, अभी वी आर अबाउट टू गो टू अवर ऑफिस। ओके, सो दैट्स द रीजन आई थॉट ऑफ यू नो रिकॉर्डिंग दिस शॉर्ट ब्लॉग व्हाइल आई वाज यू नो ट्रैवलिंग फ्रॉम एसपीआर टू द्वारका एक्सप्रेसवे टू ऑफिस। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, इस क्विक वीडियो के अंदर आपको क्लैरिटी मिल गई होगी अभी क्या इंफ्रास्ट्रक्चर अपडेट है द्वारका एक्सप्रेसवे पे एट प्रेजेंट इन द स्पेशल इन द नाइट, ऑलराइट, हाउ मच टाइम इट विल टेक फ्रॉम रीचिंग SPR टू यू नो कॉन्शन 109, और यहाँ से हार्डली आपका जो दिल्ली बॉर्डर है वो हार्डली 5 मिनट्स के डिस्टेंस पे आ जाता है, और जो ऑपरेशनल मेट्रो स्टेशन हो गया सेक्टर 25 का, या फिर इसके अलावा जो यहाँ पे आप देखिए लेफ्ट साइड में ना आपका ये एलान द प्रेजिडेंशियल का भी जो है सैंपल फ्लैट अभी रेडी होने लग रहा है, ओके, तो जैसे ही रेडी होगा एंड विल बी एबल टू नो शेयर यू मोर अपडेट्स अबाउट दैट। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं आपसे तो इससे अगर आप आगे चलोगे तो आपको स्मार्ट सिटी दिल्ली एयरपोर्ट भी मिल जाता है, तो वहां पे आपके पास ऑप्शंस मिल जाते हैं लाइक आपका स्मार्ट वर्ल्ड का 1DXP का फेज 2 लॉन्च है, M3M का मेंशंस है, ओके, और पुरी का डिप्लोमेटिक रेजिडेंसीज है, तो वो सारे ऑप्शंस भी आपको यू नो उस तरफ मिल जाते हैं। ऑलराइट, और दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइस, आई होप इस शॉर्ट वीडियो के अंदर आपको काफी क्लैरिटी मिल गई होगी अबाउट करंट अपडेट्स, एंड अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो इन दिए नंबर पे आप व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हो 885-8484-084 पे। अगर आपके माइंड में कंफ्यूजन है किसी भी प्रॉपर्टी को लेके कि वेदर आई शुड इन्वेस्ट हेयर और नॉट, और इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो ठीक रहेगा नहीं रहेगा, एंड यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक रहेगा नहीं रहेगा, रेंटल के पॉइंट ऑफ व्यू से वो ठीक रहेगा नहीं रहेगा, और अगर डाउट है किसी प्रोडक्ट को आप कंपेयर करना चाहते हो, कंफ्यूज हो द्वारका एक्सप्रेसवे पे, SPR पे, और इवन गोल्फ कोर्स रोड एक्सटेंशन पे, या गोल्फ कोर्स रोड पे भी कुछ प्रोजेक्ट आ रहे हैं या न्यू गुड़गांव में, तो यू कैन ऑलवेज रीच आउट अस एट गिवन दिस नंबर 885-8484-084 पे, सो दैट मैं मेरी टीम आपकी हेल्प कर सकें आपके कंफ्यूजन से आपको क्लैरिटी की तरफ लेके जाने में। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइस, जाते जाते रिक्वेस्ट है अगर आपसे चैनल पे आप फर्स्ट टाइम है तो चैनल को आप इमीडिएटली सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए, तभी आपको इस टाइप के वीडियोस के फ्यूचर में नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिए, ज्यादा अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, कलीग्स के साथ, जो लोग भी द्वारका एक्सप्रेस वे पे अपनी प्रॉपर्टी प्लान कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट या डिसीजंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, सो दैट उन लोगों की एक हेल्प हो सके, प्लस मुझे एक मोटिवेशन मिले आपके इस टाइप के और वीडियोस क्रिएट करने के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर, मिलता हूं भी आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।